आप सभी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक और रेसिपी, बनाना चिप्स। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक छोटी चम्मच चाट मसाला, 2-3 पिंच काली मिर्च और 2 चुटकी नमक। और ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें ये बनाना को ना साथ ही साथ ही इसमें स्लाइस कर करके छोड़ते जाना है और साथ ही साथ ही सेकते जाना है, इसलिए ऑयल हमने पहले गरम करने रख दिया है। तो चलिए हम इनको छील लेते हैं। इनको हमको साइड से पहले कट कर लेना है। फिर इनको आराम से छील लेना है। इस तरह हमको सारा छील के तैयार कर लेना है। ये हमारे बनाना छिलके रेडी हैं। अब हम इनको सेकते हैं और हमें हाई फ्लेम रखना है गैस का, क्योंकि हमें इनको साथ के साथ उसमें छोड़ना है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्लाइसर ले लिया है और हम इसको इस तरह से छोड़ते जाएंगे। ये हमें इस तरह से सेक लेनी है क्रिस्प होने तक। इसी तरह से हमको सारे अपने चिप्स तैयार करने हैं। और एक प्लेट में इनको निकाल लेना। आसानी से सिक जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी रहते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें लगातार चलाते रहना है, ताकि ये दोनों साइड से अच्छा सिक जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारे कुरकुरे कुरकुरे बनाना चिप्स। अब इसमें हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल चुका है, हम इसको सर्व कर लेते हैं। एक और टिश्यू पेपर मैंने लगा लिया है, ताकि और ऑयल हो तो वो उसमें नीचे ट्रांसफ़र हो सके। अभी हमें क्या करना है, ये मैंने जो काला मिर्च लिया था उसको, और काला नमक और ये चाट मसाला जो लिया था उसको हम एक जगह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बनाना चिप्स के ऊपर इसे छिड़ देंगे। यानी आपके एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना चिप्स। आप इसको, जो मसाला हमने इसमें ऐड किया है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका फास्ट है तो आप इस पे केवल सेंधा नमक डाल के ही इसको खा सकते हो। ये व्रत में भी खाया जा सकता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल डिलीशियस किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।